अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ बेटा। अम्मी मुझे भी चाय निकाल दीजिए, मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है मुझे। भाई एनी कहाँ है, दोनों की एक साथ ही चाय दे देती। मैडम की तैयारियां खत्म हो तब ना। फिर भी मुझे ये बात बताओ कि शेरियार से कोई फोन पे बात हुई तुम्हारी, कब आ रहे हैं वो लोग? बाबा एक्चुअली शहरयार को एक असाइनमेंट मिला है और उनकी मम्मी भी थोड़ा बिजी हैं, लेकिन एक दो दिन में वो जरूर आ जाएंगे। मेरे पूछे बगैर ना किसी को नहीं बुलाना, बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। क्यों, आपने क्या उनके लिए रेड कार्पेट बिछाना है? भाई जब मेहमान घर पे आते हैं ना तो उनके चाय पानी के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ता है, और मुझे पता है तुम दोनों ने मेरे साथ कोई काम नहीं करवाना। भाई अभी तो वो सिर्फ इन मैडम को देखने के लिए आ रहे हैं ना, जब रिश्ता पक्का होगा तो प्रॉपर नाश्ता चाय पानी सब एहतमाम कर लीजिएगा। मैडम वो मेरे लिए ना प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, बात करने नहीं या मुझे देखने नहीं आ रहे। अच्छा जी, और अगर उनकी मम्मी को आप पसंद नहीं आई तो? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी अम्मी को खुद हैंडल कर लेगा। भाई मेरी बेटी में ऐसी कौन सी कमी है जो उनको पसंद नहीं आएगी? हाँ हाँ भाई, हमारी बड़ी बहन में आखिर क्या कमी है, कमी तो कोई भी नहीं है। तो फिर इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत है? टेंशन नहीं फैला रही हूँ भाई, सोचना पड़ता है, आखिर हम लड़की वाले हैं, क्यों बाबा? हाँ सोचना पड़ता है, लेकिन इस वक्त जो है तुम नाश्ता खत्म करने के बारे में सोचो, नहीं तो एमल तुम्हें ये कहेगी कि मुझे फिर देर हो रही है। बाबा मैं पहले दिन से इसकी ये बातें सुन रही हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, अब तो मैं आदी हो गई हूँ। ये कहो ना कि तुम ढीठ हो, तुम्हें असर नहीं होता। बाबा आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं आपकी लाडली को क्या बोल रही है ये? उफ, मैं चाय लेकर आती। अच्छा मैं जा रही हूँ, देर हो रही है, और तुमने आना है तो आओ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ बाबा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, नाश्ता तो ठीक तरह कर लेती। बाबा मैं वहां जाके कर लूंगी, चलो उठो जल्दी जल्दी करो। बाबा ये तो मुझे नाश्ता भी नहीं करने देती है। अरे तुम फोन को छोड़ दिया करो ना, खा लिया करो पहले। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय।